हरियाणा कांग्रेस में इन नेताओं में से बनाया जाएगा नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस पार्टी का नया प्रदेशाध्यक्ष। पैनल किया तैयार, ध्यान से देखिएगा किस किस नेता का नाम है पैनल में शामिल। जी हाँ, हरियाणा के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस में सियासी हलचल लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। चुनाव परिणाम के बाद मंथन में जुटी कांग्रेस द्वारा प्रभारी के अलावा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बदला जा सकता है, तो इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी किसी नए चेहरे को बनाया जा सकता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व तो अब इन तीनों में से अहम पदों पर सक्रिय व नए चेहरों को नियुक्त करेगा। आपको बता दें कि 2019 से 2024 तक मुख्य विपक्षी दल रही और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष जो के नेता थे। इस बार कांग्रेस 37 विधायकों के साथ प्रमुख विपक्षी दल है। ऐसे में सियासी पंडित मानते कि इस बार हुड्डा की जगह किसी अन्य विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। इस पद को लेकर जो पैनल में है उसमें सबसे पहला नाम है पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई का, और उसके साथ साथ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अशोक अरोड़ा का नाम भी पैनल में शामिल है। वह दलित चेहरे के तौर पर पूर्व मंत्री गीता बुकल का नाम भी शामिल है। यानी नेता प्रतिपक्ष के लिए तीन चेहरे जो है तैयार कर लिए हैं, जिसमें चंद्रमोहन बिश्नोई, अशोक अरोड़ा और गीता बुक्कल का नाम शामिल है। चंद्रमोहन पंचकुला से विधायक चुने हुए। खास बात यह है कि चंद्रमोहन ने विधानसभा के पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को पराजित किया है। वैसे भी चंद्रमोहन चार बार कालका से विधायक रहने के अलावा 2005 से 2008 तक उप मुख्यमंत्री भी रहे। इसी तरह अशोक अरोड़ा थानेसर से विधायक चुने गए हैं और वही नैलो के प्रदेशाध्यक्ष रहने के अलावा मंत्री एवं विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसी प्रकार झज्जर से विधायक गीता बुक्कल पांचवी बार विधानसभा की सदस्य चुनी गई है और वह कैबिनेट में मंत्री रह चुकी है। तो कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष के लिए पैनल तैयार कर दिया गया है। वहीं प्रदेशाध्यक्ष की बात करें तो सियासी पर्यवेक्षक मानते हैं कि यदि कांग्रेस विधायक दल के यानी विपक्षी पार्टी के नेता के तौर पर यदि पद पर किसी दलित चेहरा को नियुक्त करते हैं तो इस बार प्रदेशाध्यक्ष पद किसी गैर दलित नेता को सौंप दिया जाएगा, अन्यथा इस बार भी किसी दलित नेता के हाथ में ही प्रदेशाध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि राजनीति जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस का शीर्ष नेता तो किसी दलित या जाट को प्रदेशाध्यक्ष बना सकता है। प्रदेश में दलित समुदाय के 21% मतदाता है। इस बार भाजपा को सबसे अधिक दलित वोट मिले हैं। इस बार भाजपा कांग्रेस के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल रही है। ऐसे में सियासी विश्लेषकों का मानना है कि प्रदेश के सबसे अनुभवी सांसद कुमारी शैलजा को एक बार फिर प्रदेशाध्यक्ष की कमान भी सौंपी जा सकती है। यदि विधायक दल का नेता किसी दलित को चुना जाता है तो इस सूरत में किसी जाट या अन्य वर्ग से संबंधित किसी बड़े चेहरे को प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसे में यदि किसी जाट नेता के नाम पर हाईकमान की मोहर लगती है तो फिर राज्यसभा के सदस्य रणदीप सुरजेवाला का नाम सबसे ऊपर है। सुरजेवाला इससे पहले हरियाणा कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो पैनल है तैयार, अब समय का है इंतज़ार कब मोहर लगती है।